बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ प्रसाद। आज मैं आपके साथ बेसन चीला की डिफरेंट स्टाइल में रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक लेस ऑयल स्नैक्स है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बेसन का चीला बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैं बेसन की जगह पर यहाँ पर मैंने जो है चने की दाल ली है 1 कप, जिसे जो है मैंने अच्छे से धुल कर 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखा था। ये भीगी हुई चने की दाल है। सबसे पहले जो है हम चीले का मिक्सर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है। सबसे पहले जो है दाल को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जो है मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा दिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत जीरा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं, इससे जो है पीस कर हम इसका जो है एकदम जो है फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा जो है चना दाल का जो है पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर ली है, यह हम इसमें डाल देते हैं। उसके हिसाब से नमक डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, एक मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज ली है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जो है अभी भी हमारा काफी गाढ़ा है, इसमें जो है हम 1 कप पानी डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पतला सा जो है एक हमने घोल तैयार कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मिक्सचर हमारा रेडी है चीला बनने के लिए। चलिए जो है हम चीले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है। सबसे पहले जो है हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। यहाँ पर जो है तवा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। सबसे पहले जो है 1 टेबल स्पून हम इस पर तेल डाल देते हैं। तवे को जो है अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और फ्लेम को लो कर ढककर जो है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे चीले को एक साइड पे हम सबसे पहले पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब जो है हम कुकर से 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और चीले की साइड को जो है हम पलट देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा जो है चीला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह जो है हम बाकी चीजें अपने तैयार कर लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मजेदार सा चीला बनकर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे जो है चटनी या सॉस के साथ खाएं, खाने में बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट आता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।